उनकी फिल्म भाग मिल्खा भाग का प्रमोशन करने अपने स्कूल गए, जहां उन्होंने अनवील किए मिल्खा कवर नोटबुक्स। और इस इवेंट को कवर करने आए मीडिया के साथ फरहान ने शेयर किए अपने चाइल्डहुड मेमोरीज। मगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसमें बहुत बिजी रहता था, स्पोर्ट हो, परफॉर्मेंस हो, उन चीजों में। एंड या आई वाज बिट ऑफ अ बैक बेंचर ओनली, और मैं अपने हेड पे हेड स्पिन किया करता था। एक प्यार की उम्र दूजा कुड़ी तू बटर मोड़ दिल दा पियो तो जाना। बजाते रहो फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को रिसेंटली एक साथ इस फिल्म के एक म्यूजिकल इवेंट को अटेंड करते हुए देखा गया, जहां ये सारे एक्टर्स इस फिल्म के सॉन्ग्स पर परफॉर्म करते नजर आए। टेक अ लुक। एक प्यार की उम्र दूजा कुड़ी तू बटर मोड़ दिल दा पियो तो जाना। हुआ पल्ले कांदा किक गिरा अख दा शटर। अक्षय कुमार स्टारर बॉस के मेकर्स चाहते हैं कि अक्षय, सोनाक्षी सिन्हा और यो यो हनी सिंह पर फिल्माया गया डांस नंबर अब तक का बिगेस्ट एवर क्लब सॉन्ग हो। कहा जा रहा है कि इस सॉन्ग में 600 डांसर्स और जूनियर आर्टिस्ट नजर आएंगे। वेटरन एक्टर मनोज कुमार को कुछ दिन पहले मुंबई के एक मशहूर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया आफ्टर ही कंप्लेंट ऑफ पेन इन हिज गॉल ब्लैडर, लेकिन अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है एंड ही विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल वेरी सून। खजाना इस गजल फेस्टिवल की अनाउंसमेंट करने एक साथ आए कई टैलेंटेड गजल सिंगर्स, जैसे पंकज उधास, भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह, अनूप जलोटा और तलत अजीज। देखते हैं इस इवेंट की एक झलक। एक इंग्लिश डेली की माने तो इम्तियाज अली इज प्लानिंग टू मेक एन आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म वेयर ही वांट्स टू कास्ट एक्स कपल रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण। और सिर्फ यही नहीं, इम्तियाज आल्सो अपेरेंटली वांट्स रणबीर अलेज्ड प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ टू डू अ कैमियो इन दिस फिल्म। Tushar Kapoor, who is a graduate in business management from one of the leading universities in the US, has been helping his dad Jitendra in running the family construction business. Iske saath saath Tushar unki production company ki marketing aur promotion mein bhi contribute kar rahe hain. Tushar's production house is different from his sister Ekta's banner. आसिन, जिन्होंने बॉलीवुड के कई ए लिस्टेड एक्टर्स के साथ काम किया है, कहती है दैट शी हैज नॉट फाउंड हर ड्रीम रोल इन बॉलीवुड येट। शी एक्सप्लेन्स, आई लव बीइंग एन एक्ट्रेस, आई एंजॉय रोल्स दैट गिव मी स्कोप टू परफॉर्म और गिव मी क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन एज एन आर्टिस्ट, दैट्स येट टू हैपन इन बॉलीवुड। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण तेजा जंजीर रीमेक से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं, प्लेइंग अ हार्डेंड कॉप। 1990 में बिल्कुल इसी तरह चिरंजीवी हैड मेड हिज बॉलीवुड डेब्यू प्लेइंग अ कॉप इन द फिल्म प्रतिबंध। नरगिस फाखरी ने बैंडेज लेग के साथ सारी रात फटा पोस्टर निकला हीरो की डांस नंबर की रिहर्सल की एंड द सॉन्ग वाज स्ट्रक ऑफ द नेक्स्ट डे एज डायरेक्टर राजकुमार संतोषी डिड नॉट अप्रूव ऑफ द सॉन्ग। देन नरगिस हैड टू वंस अगेन रिहर्स द अदर सॉन्ग द नेक्स्ट डे व्हिच वाज देन अप्रूव्ड एंड शॉट। प्रोड्यूसर एकता कपूर जो कि काफी सुपरस्टिशियस है, अजय देवगन और इमरान हाशमी को अपना लकी मैस्कॉट मानती है और इसीलिए इवन दो बोथ दीज एक्टर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, देयर नेम्स विल फीचर इन द ओपनिंग क्रेडिट्स इवन बिफोर द नेम्स ऑफ द एक्टर्स एक्चुअली एक्टिंग इन द सीक्वेंस। सुनने में आया है कि रेसलर टर्न्ड एक्टर दारा सिंह की बायोपिक बनाने की प्लानिंग चल रही है एंड अपेरेंटली रेसलर संग्राम सिंह हैज बीन रोप्ड इन टू प्ले द लीड इन द फिल्म। इस फिल्म को पहले पंजाबी में रिलीज किया जाएगा एंड देन द हिंदी वर्जन विल बी रिलीज्ड। 1980s की साउथ अफ्रीकन फिल्म द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी का इंडियन अडेप्टेशन बनाया जाएगा एंड द फिल्म विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन एन इंडियन सेटिंग। इस फिल्म को एमजे रमनन डायरेक्ट करेंगे और अपेरेंटली परेश रावल और जरीन खान इस फिल्म में कास्ट किए गए हैं। रणबीर कपूर उनकी अपकमिंग फिल्म बेशरम में बने हैं एक ऑफन और इसीलिए रणबीर चाहते हैं कि इस फिल्म का फर्स्ट थिएट्रिकल ट्रेलर एक ऑफनेज में लॉन्च किया जाए एंड दिस वे रणबीर विल गेट टाइम टू कनेक्ट विद द किड्स। फटा पोस्टर निकला हीरो के जिस आइटम नंबर के लिए नरगिस फखरी ने इतनी मेहनत की, उस सॉन्ग का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इस सॉन्ग में नरगिस शाहिद कपूर के साथ नजर आ रही है। टेक अ लुक।
ऑनर की एक्ट्रेस यामी गौतम को अक्सर रामचरण तेजा के कजन और साउथ स्टार शिरीष के साथ स्पॉट किया गया है और कहा जा रहा है दैट दे आर मोर देन जस्ट गुड फ्रेंड्स। वैसे यामी की तरफ से इस खबर पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिली। मेकर प्रकाश झा और एक्टर मनोज बाजपेयी, जिन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, अब बन गए हैं नेबर्स। जी हाँ, झा ने अंधेरी एरिया के उसी हाई राइज बिल्डिंग के 23rd फ्लोर में एक फ्लैट खरीद लिया है जिसके 9th फ्लोर में मनोज रहते हैं। वेटरन एक्टर ऋषि कपूर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि अब उन्हें अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करने का मौका मिल रहा है। He elaborated by saying, "All my life, I only sang songs and I never got an opportunity to act. Today is the first time in this phase of my career that I've got acting assignments and I'm trying to do my best.